ये एक मिसाइल जो कि आपके इतना दूर, उसकी कैपेबिलिटी 300 से 500 किलोमीटर थी, और तीन घंटे जो सुनने में आया है कि पाकिस्तान की टेरिटरी में ट्रेवल करता रहे, तो इंडिया ने तो आपको टेस्ट किया, इंडिया ने तो ये देखा है कि क्या आपके पास इतनी कैपेसिटी, इतनी कैपेबिलिटी है कि क्या आप उनके मिसाइल्स को रोक सकते हैं। आफत में छुपी हुई रहमत भी साबित हो सकती है ये चीज़, कि अगर हम रिवर्स टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग से हम अगर इसका कोई एंटीडोट तैयार कर लें, या इससे बेहतर कोई, या इस सॉर्ट ऑफ थिंग, इस तरह की कोई चीज़ तैयार कर लें, तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब कि आपको नहीं लगता कि ये एक मिस फायर था? मेरे ख्याल में तो ये मिस फायर भी नहीं है, कोई बच्चों का खिलौना तो नहीं है ना जो सड़क पर पड़ा हुआ और उसने चला दिया है। अगर उन्होंने ऐसी अकाउंटेबिलिटी की एग्जाम्पल सेट की है, तो आई थिंक ये अच्छी एग्जाम्पल है जिसमें उन्होंने इसको फॉलो भी किया है और उसके खिलाफ एक्शन भी लिया। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जो 9 मार्च 2022 को जो इंडिया की तरफ से जो ब्रह्मोस मिसाइल थी, वो बाय मिस्टेकली मिसफायर होकर पाकिस्तान में गिर गई थी, और इसके पीछे जो इंडिया के जो भी ऑफिसर थे उस टाइम में, जो भी ऑफिसर वहाँ पे तैनात थे, जिनके तरफ से भी जो गलती हो गई, उनको जो है ना नौकरी से निकाल दिया है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस बात पे पाकिस्तानी जनता क्या बोल रही है। अस्सलाम जी, आपका नाम? नुमान कैसर जी। मेरा नाम मुगीरा मजहर है। इरफान रियाज। साजिद सर, 9 मार्च 2022 को पाकिस्तान पर एक ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया की जानिब से मिसफायर किया गया, जिसे बाद में इंडिया ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि ये एक्सीडेंटली फायर हो गया था, और जिससे कोई पाकिस्तान में जानी और माली नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन अब इंडिया ने इस पर एक टीम बिठाई, इसके खिलाफ एक्शन लिया, और तीन ऑफिसर्स को जो उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद थे एयरफोर्स के, उन्हें फायर कर दिया गया। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले को, किस नज़र से देखते हैं, इंडिया का ये एक्शन कैसा लगा आपको? जी, आपने भी जिक्र किया कि किसी को जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। व्हाट इफ़ ये जानी और माली नुकसान हो जाता, ये मियाँ चन्नू किसी कोल्ड स्टोरेज पे गिरा है अभी, मिसाल के तौर पर खुदा नास्ता इस्लामाबाद में जाके पार्लियामेंट हाउस के ऊपर गिर जाता, प्रेसिडेंट हाउस के ऊपर गिर जाता, किसी ऐसी जगह पे भी तो गिर सकता था, ठीक है। सो इससे हमने इसको इस अंदाज से नहीं देखना कि इससे जानी और माली नुकसान हुआ है कि नहीं, इसके पीछे हमने दुश्मन की इंटेंशन दी। मैं बींग ए वकील, क्योंकि मैं चीज़ों को ज़रा क्यूरियस अंदाज में देखता हूँ, मुझे लगता है कि उनकी तरफ से हमें टेस्ट किया। ये एक मिसाइल जो कि आपके इतना दूर, उसकी कैपेबिलिटी 300 से 500 किलोमीटर थी, और तीन घंटे जो सुनने में आया है कि पाकिस्तान की टेरिटरी में ट्रेवल करता रहे, तो इंडिया ने तो आपको टेस्ट किया, इंडिया ने तो ये देखा है कि क्या आपके पास इतनी कैपेसिटी, इतनी कैपेबिलिटी है कि क्या आप उनके मिसाइल्स को रोक सकते हैं। बदकिस्मती से हमारे जो दिफाई इदारे हैं, वो उनकी तवज्जो किसी और जानेब, उनकी तवज्जो रजीम चेंज की जानेब, उनकी तवज्जो एक पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर को हटाने की जाने पर, उनकी तवज्जो इन हर मौशी हालातों वाक़ियात से हटाने पे है। तो ये मेरे लिए बिंग वकील जो बात करता हूँ, क्योंकि वकील ज़्यादा कॉन्शियस होता है चीज़ों के बारे में, हमें नज़र आ रहा है कि चीज़ें हमारे मुल्क की किस जानब जा रही हैं। तो जो तवज्जो दी जानी चाहिए हमारे दिफाई इदारों को, मुझे नज़र आता है तीन घंटे वो किस गफलत का शिकार थे, वो लोग किधर थे। मैं इस चीज़ पर सवाल, इस चीज़ का मैं ये नहीं सोचूंगा कि जानी और माली नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ। मेरा सवाल एज ए कंसर्न पाकिस्तानी ये है कि तीन घंटे हमारा दुश्मन, तीन घंटे हमारे मुल्क, हमारा मुल्क उसके कंट्रोल में था। मेरा असल में सवाल ये है, इसका जवाब मुझे देते हैं। बिल्कुल, हमारा एक सवालिया निशान है हमारे डिफेंस सिस्टम के ऊपर, कि हमारा डिफेंस सिस्टम उस वक्त कहाँ पर मौजूद था कि इतनी देर तक एक मिसाइल हमारे मुल्क में आया, गिरा, और काफ़ी देर तक हमारा जो डिफेंस सिस्टम है ये वो जज ही नहीं कर पाया कि ये मिसाइल किस इलाके में, किस जगह पर जाकर गिरा है। अल्लाह ना करे उससे कोई जानी या माली नुकसान हो जाता, तो ये तो फिर हमारे डिफेंस सिस्टम पे एक सवालिया निशान था। वैसे अब भी सवालिया निशान है, लेकिन अगर कोई नुकसान होता तो हम उसका कफारा फिर कौन अदा करता? जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं। मैं आई एम ग्लैड कि आपने ये इतना अहम इशू आपने आज रेस किया है। इंडिया ने वो जो पंजाबी में एक फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, गोंगलों तो मिट्टी लड़ा, ठीक है। सो इंडिया हैज़ जस्ट डन अ फॉर्मेलिटी टू लेट द गवर्नमेंट, देयर गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, द इंटरनेशनल यू नो ऑर्गेनाइजेशंस नो दैट वी हैव डन समथिंग अबाउट इट, ठीक है, बस दैट्स इट। उन्होंने जो टेस्ट करना था उन्होंने टेस्ट कर लिया है कि पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और सबसे बढ़ के विल नहीं है। सो खुदा ना आस्ता, वो 19 फरवरी 2019 का जो वाक्य हमारे जहन में है कि हमने अगले दिन ही जाके जवाब दिया था, अब इंडिया ने आपको एक किस्म का जवाब दिया है कि ठीक है, आपने वो तो कर लिया था, तीन घंटे आप लोग कहाँ थे। वो इसके मुताबिक अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी को आप मॉनिटर करेंगे, डिफेंस स्ट्रेटजी को बनाएंगे,
ताकि पाकिस्तान को अगली दफा फिर पकड़ा जाए। तो मेरा कंसर्न असल में ये है, अब हमारे पास ब्राह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आपको लगता है कि पाकिस्तान उस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए कोई मिसाइल बनाने में कामयाब होगा या फिर हम उससे बेहतर कोई मिसाइल तैयार कर सकते हैं अब, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी तो पता चल गई है ना? देखिए मेरा सवाल जरा मुख्तलिफ नजर का है। मेरा सवाल ये है कि हमारी तवज्जो आपके पास गोरी मिसाइल, शाहीन मिसाइल, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स, ब्राह्मोस मिसाइल पैदा हुआ, ये भी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल था, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियर बम भी हो सकता था। मेरा सवाल ये नहीं है, कैपेबिलिटी टेक्नोलॉजी आपके पास काफ़ी मौजूद है, मेरा सवाल ये है कि क्या आपके दिफाई इदारों की तवज्जो इस जानब, मुल्क के दिफा की जानब, जिसके लिए आइन और दस्तूर में उनको रोल दिया गया था, क्या उनकी ये तवज्जो है? जब बार बार मैं सवाल द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन ये कहूँगा कि उनकी तवज्जो है रजीम चेंज, उनकी तवज्जो है हर उस चीज़ में मुदाखलत करना जिनका आइनी तौर पे उनका हक नहीं बनता, ठीक है। तो मेरा ये सवाल है कि हमारी अदलिया कब बोलेगी, ये सवालिया जो सवाल है हमारी अदलिया पे भी है, ये सवाल है हमारे मुल्क के सियासतदानों पे भी है कि जिस इदारे को आइन में एक ख़ास मकसद के तहत बनाया गया था वो इदारा उस मकसद के अलावा सारे काम कर, तो ये ऐसा क्यों है? मेरा सवाल बार बार यही है, ये क्वेश्चन नहीं है कि नई कितनी नई टेक्नोलॉजी आप लेके आएंगे, टेक्नोलॉजी आपके पास मौजूद हैं, एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी मौजूद है। ज़रूरी नहीं कि आपने रिवर्स इंजीनियरिंग करके ब्राह्मोस मिसाइल जो भी है इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है। तो मेरा असल में सवाल उसी जगह बनाए तौर पर मौजूद। सर आपको याद होगा 9 मार्च 2022 को इंडिया की जानिब से पाकिस्तान पर एक ब्राह्मोस मिसाइल फायर किया गया था जो कि मिस फायर था, जिसे बाद में इंडिया ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि एक्सीडेंटली ये हो गया। अब इंडिया ने इस पर एक्शन लेते हुए अपने 3 ऑफिसर्स को नौकरी से निकाल दिया है, उन्हें फायर कर दिया है कि उन्होंने इतनी लापरवाही का मुजाहिरा किया कि एक मिसाइल मिस फायर हुआ और पाकिस्तान में जाकर गिरा। क्या कहेंगे, इंडिया ने एक एग्जाम्पल सेट की है इस तरह का एक्शन लेकर? बिल्कुल, इंडिया ने एक एग्जाम्पल सेट की है। मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान और इंडिया न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, इनके पास न्यूक्लियर पावर्स हैं, हम बिल्कुल भी इस तरह की मिस्टेक के मुतहम्मल नहीं हो सकते। कोई भी प्रोफेशनल जो आर्मी के प्रोफेशनल्स हैं दे शुड डील ऑल दीज थिंग्स विद अ लॉट ऑफ केयर। मैं समझता हूँ कि अगर उससे जानी नुकसान होता या माली नुकसान या लोगों के बच्चे या उनकी घरों का इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता तो ऑब्वियसली वो इररिपेरेबल लॉस था। तो इंडिया की तरफ से ये एडमिट करना उनकी प्रोफेशनलिज्म को भी साबित करता, और मैं समझता हूँ कि अगर ये पाकिस्तान की तरफ से भी हुआ होता तो सेम रिजल्ट्स ही आते, बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर इस तरह की जो मिस्टेक है उसका मुतहम्मल कोई भी कंट्री नहीं हो सकता। ऐसा ही है, जब इस तरह कोई आपकी कंट्री पर मिस फायर भी मिसाइल करता है तो डेफिनेटली उसका एक जवाब दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान ने इसका कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया ना कोई जवाब दिया। मैं ये समझता हूँ कि दो चीज़ों पे डिपेंड किया। पहली चीज़ ये कि जो हमारे नुकसान का तखमीना लगाया गया उसमें कोई इतने डेडली रिजल्ट्स नहीं थे, नंबर एक बात। नंबर दो बात, जब टारगेट जिस पे वो मिसाइल आकर गिरता है तो वहाँ से ये असर्टेन किया जाता है कि क्या वाकई इसको टारगेट किया गया है या वाकई ये मिस्टेकनली हुआ है। तो उस चीज़ ने काफ़ी चीज़ें विजिबल कर दी थी कि इट वॉज़ अ मिस्टेक। दूसरी बात यह है कि इंटेलिजेंसेस और जो आर्मी की जो आला क़यादत होती है उनको इस चीज़ के ऊपर एतमाद में लिया गया था, और ऑब्वियसली इसी वजह से पाकिस्तान ने उसको इतना शदीद रद्द अमल नहीं दिया था। तो मेरा ख्याल है यही उसकी वजह। आपको नहीं लगता कि हमारा डिफेंस सिस्टम धरा का धरा रह गया कि एक मिसाइल दूसरे मुल्क से आकर बॉर्डर पार से आकर हमारे मुल्क के अंदर आके गिर जाता है? वो तो अल्लाह का करम है, अनफॉर्चुनेटली वो कोई न्यूक्लियर मिसाइल नहीं था। अगर न्यूक्लियर मिसाइल होता तो उसके जो है तबाह कुन असरात जो थे वो हमारे कुछ और ही होते, कुछ और ही मनाजिर होते। तो आपको नहीं लगता कि हम इतने मिनट्स तक ये जज ही नहीं पर कर पाए कि वो मिसाइल हमारी कंट्री में एंटर हो गया और कहाँ जाकर गिरा है? हमारे डिफेंस सिस्टम पर क्या ये सवालिया निशान नहीं है? ऑब्वियसली ये क्वेश्चन मार्क है हमारे डिफेंस सिस्टम पर। ऑब्वियसली जहाँ तक हमारी मुल्क की सिक्योरिटी का मामला है इन चीज़ों से हमें अप टू द मार्क होना चाहिए और अवेयर होना चाहिए। लेकिन ये भी बात साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगा कि मिस्टेक्स और जो ह्यूमन एरर है वो हर जगह पे पाया जाता है। इवन के 9/11 में भी उनके जो प्लेन्स हैं हाईजैक किए गए और वहाँ पर उनको मिसयूज़ भी किया गया, तो
वो भी एक ह्यूमन एरर था। पॉसिबिलिटी और स्पेस हर जगह पे पाई जाती है मिस्टेक की, बट ऑब्वियसली ये एक अलार्म था, ये एक वार्निंग थी जिससे हमें जो है वो सीरियसली लेना चाहिए और नेक्स्ट टाइम वी शुड बी केयरफुल अबाउट सच टॉपिक। आपको नहीं लगता इस मिसाइल के पाकिस्तान में आने के बाद पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल किस तरह जो है वो बना सकते हैं और पाकिस्तान उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपने मिसाइल्स में बेहतरी ला सकता है या उस तरह के मिसाइल जो है वो बना सकता है? ऑब्वियसली रिवर्स टेक्नोलॉजी और रिवर्स इंजीनियरिंग के साथ काफ़ी कंट्रीज़ ये जो है वो इस चीज़ को पॉसिबल करते हैं, तो अगर पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी से, इसको हम बोलेंगे ब्लेसिंग इन डिसगाइज, आफत में छुपी हुई रहमत भी साबित हो सकती है ये चीज़, कि अगर हम रिवर्स टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग से हम अगर इसका कोई एंटीडोट तैयार कर लें या इससे बेहतर कोई या इस सॉर्ट ऑफ थिंग इस तरह की कोई चीज़ तैयार कर लें तो ये बहुत अच्छी बात है। क्या वजह है हमारे ब्रेन इतने ज़्यादा वॉश क्यों किए गए हैं कि हम देखें तो वहाँ के लोग यहाँ से और यहाँ के लोग वहाँ के लिए जहर उगलते हैं? कोई बहुत कम लोग होंगे, कोई बहुत कम परसेंटेज होगी जो आपस में प्यार मोहब्बत शो करती है, लेकिन मोस्टली लोग एक दूसरे के बारे में मिसकंसेप्शंस जो हैं वो रखते हैं। मतलब आप कह लें कि एक दूसरे वहाँ के लोग यहाँ के बारे में और यहाँ के लोग वहाँ के बारे में बहुत बुरी राय रखते हैं। देर वॉज अ टाइम जब ऐसा था, बट ड्यू टू द रेवोल्यूशन इन सोशल मीडिया ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हद तक कम हुई है। और एक दूसरी बात यह है कि ये कुछ अन अवेयरनेस भी थी, हम लोग ट्रेडिशनली ये शुरू से ही हमें बताया जाता है कि हिंदू एक मकार कौम है, बट मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने एनिमीज़, हमें अपने दोस्तों को अपने पास रखना चाहिए और एनिमीज़ को उससे भी ज़्यादा पास रखना चाहिए। हमारे जो एनिमीज़ हैं हम उनसे फुली अवेयर्ड हैं, हमें पता है, लेकिन ये बात बिल्कुल आपकी सच है, ये मिसकंसेप्शन है और अच्छे बुरे लोग हर जगह पर पाए जाते हैं। और लेकिन मैं समझता हूँ कि ब्रदरहुड और हम आहंगी के साथ काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को डील किया जा सकता है। और इस पूरी दुनिया में अब कोई भी कंट्री जो है वो वॉर एंड डेथ एंड टेरर और डिस्ट्रक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो उसके अलावा हिस्ट्री हैज़ ऑलवेज बीन डिक्टेटेड, इसको लिखा नहीं गया, इसको लिखवाया गया है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स को मसख करके हकायक से हटाकर पेश किया गया, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स पाई जाती हैं। विद बट विद द पैसेज ऑफ टाइम दीज थिंग्स आर गेटिंग बेटर। सर, 9 मार्च 2022 को पाकिस्तान पर एक ब्रह्मोस मिसाइल मिस फायर किया गया इंडिया की जानिब से, जो कि बाद में इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि एक्सीडेंटली जो है वो फायर हो गया था, जो कि पाकिस्तान के इलाके मियां चन्नू में जाकर गिरा, और कोई जानी और माली नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन इंडिया ने उसके खिलाफ कमेटी बनाई और जो एयरफोर्स के इंडियन ऑफिसर वहां पे मौजूद थे उन 3 ऑफिसर्स को फायर कर दिया गया है। क्या कहेंगे इंडिया ने एक एग्जाम्पल सेट की है इस तरह का एक्शन लेकर, एक अकाउंटेबिलिटी करके? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई एग्जाम्पल सेट हुई है। ठीक है, हर बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ रेज है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये इंडिया ने कोई एग्जांपल सेट की है। मुझे तो ये एक दिखलावा लगता है, वो तो बच्चों का खिलौना तो नहीं है कि हर बंदे के हाथ में आ गया और उसने चला दिया। तो ये मेरे ख्याल में तो सिर्फ़ एक दुनिया को दिखावा किया है उसने कि हम जो हैं इन चीज़ों के खिलाफ हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई एग्जाम्पल सेट की है। मतलब कि आपको नहीं लगता कि ये एक मिस फायर था? मेरे ख्याल में तो ये मिस फायर भी नहीं है, कोई बच्चों का खिलौना तो नहीं है ना, जो सड़क पर पड़ा हुआ और उसने चला दिया है, तो मैं नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता। तो ऑफिसर्स फायर किए गए हैं वो? ये सिर्फ एक दिखावा है, हो सकता है कि ये दुनिया को दिखावा और वो वापस अपने जॉब पे हों। दिखावा क्यों करना चाहेगा इंडिया? जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल प्रेशर भी हो सकता है उसके ऊपर, तो उसकी वजह से उसको करना पड़ रहा है। मुझे ये बताएं कि अभी तो अल्लाह खैर करे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर उसमें न्यूक्लियर वेपन मौजूद होता या कोई न्यूक्लियर मवाद मौजूद होता तो कितना नुकसान हो सकता था? बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा नुकसान होना था, वो अकेला पाकिस्तान नहीं, जाहिर सी बात है साथ हमारे हमसाया मुल्क को भी होना था, उसका नुकसान तो बिल्कुल होना था, जाने माली नुकसान दोनों साइडों पे होना था। जब ये मिसाइल पाकिस्तान में आकर गया तो काफ़ी मिनट तक जो है हमारा जो सिस्टम है वो ये डिटेक्ट ही नहीं कर पाया था कि मिसाइल कहाँ पर और किस इलाके में जाकर गिरा है। क्या कहेंगे, क्या ये एक सवाल या निशान नहीं है कि हमारा सारा डिफेंस सिस्टम धरा का धरा रह गया और एक मिसाइल इंडिया से आकर हमारे मुल्क के अंदर गिर जाता है और हमें पता भी नहीं चलता? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हमारा डिफेंस सिस्टम इतना वीक है। बेसिकली उसकी स्पीड और उस हिसाब से मेरे ख्याल में जो ड्यूरेशन है वो कुछ सेकंड्स के हिसाब में होती है, तो मेरा नहीं ख्याल किया कि वो पाकिस्तान के रेंज में नहीं आया या हमारी फोर्सेस को इलम मालूम नहीं हुआ, वो 100% मालूम हुआ होगा, इसीलिए तो उसी वक्त बर वक्त
मेरे ख्याल में 2-4 मिनट के बाद ही उसकी खबर भी आनी शुरू हो गई। तो मेरा नहीं ख्याल कहता कि इतना वीक था, लेकिन उसकी ड्यूरेशन क्योंकि काफ़ी कम होती है, लेकिन पाकिस्तान ने उसको अटैक इसलिए नहीं किया कि अल्लाह ना करे, क्योंकि वो पाकिस्तानी हदूद में था तो अपना ही जानी माली नुकसान भी होना था इसलिए। लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल कहता कि ये डिफेंस सिस्टम इतना कमज़ोर है हमारा। सर, हम लोग ये दुश्मनियाँ ख़त्म क्यों नहीं करते? लिया दोस्तों, किस तरह की सोच इन लोगों की है? ये भाई साहब बोल रहे हैं कि ये जो भी मिस फायर हो गया था, ये मिस फायर नहीं हुआ था तो जानबूझ के किया गया था। देख लिया, इस तरह की सोच ये पाकिस्तानी लोग लेके चलते हैं, इसीलिए तो ये पूरी दुनिया में बदनाम है। दोस्त भाई साहब, एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर इस तरह की सोच अगर सही में कोई हमारे यहाँ इधर से जानबूझ के किया होता तो हमारे जो ऑफिसर है उनको काम से निकाला नहीं जाता, उनके तरफ सख्त कार्रवाई एक्शन नहीं लिया जाता, चुपचाप ऐसे ही रहने दिया होता। इस तरह की सोच हम लोगों की नहीं है। हम लोग जो सही है वो सही उसको सही ही कहते हैं और जो गलत है उसको गलत ही कहते हैं। मेरे लिए तो ये बहुत ही प्राउड की बात है, जो गलत हो गया, जो मिस्टेकली हो गया, जो चाहे आपके देश के साथ होने दे या किसी के साथ भी होने दो, इसमें मिस्टेक है, इसलिए हमारे देश ने, हमारे आर्मी ने जो है ना सख्त एक्शन ले लिया है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो के रिएक्शन को देख लिया, इस वीडियो के रिएक्शन को देखने के बाद आपको क्या लगता है, ये जो पाकिस्तानी लोग सोच रखते हैं, क्या सही में सही सोच रखते हैं या गलत रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।